आज रोज 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस छे अने अनेक कार्यक्रमों सूरत शहरनी अंदर पण योजाई रह्या छे। त्यारे सूरतमां महिलाओनुं सन्मान वधे आदर थाय माटे सूरतनी 16 वर्षीय दीकरी भव्या भट्टनी एक फेब्रिक बुक पण सूरतनी महिला सांसद केन्द्रीय रेलवे अने एप्रल राज्यमंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोश द्वारा बहार पाडवामां आवी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीनी कार्यशैलीथी प्रभावित भव्या विजय भट्टरે प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीनी सरकार 1.0 અને મોદી સરકાર 2.0 અને તેનું મૂલ્યાંકન ફેબ્રિક પેજ પર કર્યું। સુરત ટેક્સટાઇલ સિટીને ટાઇટલ વિરુદ્ધ મેળવ્યું। ભવ્ય ભટ્ટર અર્થશાસ્ત્ર તેમજ લલિત કળામાં પ્રતિભાશાળી પ્રતિભા પણ ધરાવે છે। આગામી દિવસોમાં લેખન ક્ષેત્રે પોતાની પ્રતિભાને વધુ વિકસિત કરવાની યોજના પણ ધરાવે છે। હેલો, મેરા નામ ભવ્યા ભટ્ટર હૈ। मैं सूरत में फाउंटेनेट स्कूल सूरत से हूँ, उसमें 11th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो इवेंट है, मेरी एक बुक जो मैंने लिखी है उसका लॉन्च है। बुक का नाम भारत एंड बियॉन्ड है, जो हमारे भारत में पिछले 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या क्या चेंजेस है जिसने हमारे देश को एक अलग ही रूप दिया है, जिससे आज हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में ये बुक है। ये बुक लिखने का विचार आपको कहाँ से आया? तो ये बुक लिखने का विचार ऐसा है कि जब मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रही हूँ, किसी से भी फैमिली से हम बात करते हैं, तो अक्सर मैं ये सुनती थी कि भारत में तो कोई भविष्य है ही नहीं, हमें अब्रॉड चले जाना चाहिए सेटल होने के लिए। यू नो, हमारे यहाँ पे बहुत गरीबी है, बट यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने एक्सट्रीम पावर्टी तो इरेडिकेट कर दी है। लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं है। तो मैं चाहती थी कि ये जो पब्लिक नैरेटिव है वो चेंज होना चाहिए, लोगों का जो मिसकंसेप्शन है और जो लोगों के जो थॉट्स है भारत के बारे में वो बदलने चाहिए। हम कोई पिछड़े देश नहीं है, हम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अगर हमारा देश बदल रहा है तो हमारी सोच क्यों नहीं। कितना समय लगा आपको ये बुक लिखने में? मुझे एग्जैक्टली समय पता तो नहीं है, बट मुझे पिछले 1 महीने से मैं ये बुक पे काम कर रही हूँ। रिसर्च पे टाइम इतना नहीं लगा, बट हाँ, लिखने में, उसको सरल भाषा में प्रेजेंट करने में ज़रूर टाइम लगा। और मैं खुश हूँ कि आज ये इतने अच्छे से मुकाम पे हो पाया। कैसा लग रहा है आज जब बुक का लास्ट डे विमोचन होगा, लोगों के पास जाएगी, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, ऑब्वियसली इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, और मैं होपफुल हूँ कि यह बुक देखने के बाद लोगों को पता चले कि हम उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बदले और जो मेरा इंटेंशन था वो सक्सेसफुल हो। किसने इंस्पायर किया आपको ये बुक लिखने के लिए? तो ऐसे तो ऑब्वियसली हमारे जो भी लीडरशिप पोजीशन पे है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो भी सब भी चीज़ें लाई है वो हमारे यूथ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, वो एक डेफिनेटली इंस्पिरेशन थे। बट उनके अलावा मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं सोच पाती ये सब करने का। और मेरी फैमिली ऑफकोर्स, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स, जिन्होंने इनक्रेज किया, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। आपके जैसे जो नवयुवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि हम सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ है, तो अब ऐसा टाइम है कि हम सबको साथ मिलना चाहिए। जो हमारी क्वालिटीज़ है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारे देश की प्रगति के प्रति हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि बातें करने वाले बहुत हैं, एक्शन लेने वाले बहुत कम। तो हम वो युवा बनते हैं जो एक्शन लें। रेडी, मैं विजय दामोदर भट्टर और मेरे बड़े भाई साहब कृष्ण कुमार जी भट्टर एंड अजय भट्टर। बेसिकली जब भव्या बुक लॉन्च की है तो उसके अंदर हम लोग एक्चुअली अच्छे फैमिली में रहते हैं, एंड ऑल द थिंग्स जो उसने मिली उसको, ये इकोनॉमिक के बारे में मिली, ये कुछ भी, ये हम लोग सब साथ में रहते हैं। हम लोग डायरी में तो कभी इनके बड़े पापा कृष्ण कुमार जी गाइड करते हैं, कभी अजय गाइड करता है, अभी हमारे साथ ये पूरा का पूरा हमारा परिवार इतना साथ में है, और उसी बेस के ऊपर ये उसको मिलता रहा गाइडेंस और वो अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ती है। सर, ये बुक लिखने का उसको विचार कहाँ से आया, और आपने और आपकी वाइफ ने उनको कैसे सपोर्ट किया? ओके, ये हमारे घर में एक विचारणीय चीज़ थी कि हम लोग जब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फिर बाहर ही रह जाते हैं, ये बाहर जाने के बहुत चीज़ देते हैं, हम लोग ऑन डाइनिंग टेबल ये डिस्कशन करते रहते हैं। तो कभी हमारे ये चीज़ रहती है कि भारत का हमको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, तो ये सारी चर्चाएँ हम लोग करते हैं। तो उसने भी काफ़ी स्टडी की है, वो स्टडी करने के लिए बहुत हो जाती है, तो अलग अलग चीज़ का उसका है डिटेलिंग, हर एक चीज़ को फॉलोअप करती है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज नरेंद्र जी मोदी ने अभी लाई है, इसका इम्पैक्ट आगे के 15 सालों में बहुत भयंकर आने वाला है, और नई जो पॉलिसीज आने वाली है, ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय नरेंद्र जी मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर इन सबसे।
तो वो चीज़ थी, तो मैंने डिस्कशन तो उसके दिमाग में ऐसा था कि यूथ को मैं बार बार ये गाइड करूँ कि कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाने वाले सपने बंद करें, बिकॉज इंडिया का पावर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है बराबर। और वो हमेशा बोलती है कि इंडिया में पावर है, इंडिया में मनी है, यहाँ पे हमारा जो नॉलेज है, यूथ पावर है, वो इंडिया को ही यूटिलाइज करना चाहिए। कितना खर्चा हुआ और ये आगे बुक कहाँ से मिल सकेगी? देखिए, बुक तो प्रिंट होने का जो खर्चा है अभी मेरी बाकी है, वो अभी मेरे पास है नहीं, एंड बाकी इसने खुद से अपना पूरा किया हुआ है, तो उसका भी हम लोगों ने कोई एस्टिमेशन। बुक कहाँ से लोगों को चाहिए तो मिल सकती है? बुक बहुत इजीली इसके नंबर्स और इसका भारत एंड बियॉन्ड चैनल है ऑलरेडी इंस्टा पे, जिसपे ये गाइडलाइंस देती है यूथ को कि भारत में कितनी चीज़ है अलग अलग फिगर्स के साथ में, तो वो चैनल के माध्यम से भी आपको किसी को भी चाहिए तो वो मिल जाएगी। इसका सेकंड वर्जन आने वाला है जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग में एक एक ये पॉलिसी के बारे में जो भी बताया वो शॉर्ट में बताया हुआ, तो एक एक डिटेल के साथ में वो जो देगी, तो वो बुक भी इसकी बहुत गजब की आने वाली है जिसके अंदर हर एक का इम्पैक्ट बताया जाएगा। अंत में आप सूरत शहर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरत के दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों में बहुत पावर है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सही मार्ग और सही दर्शन गाइड करना जरूरी है, उनकी एनर्जी को यूज़ करना जरूरी है और उनको हम प्रॉपरली गाइड करें, तो रियल कहता हूँ कि भारत का भविष्य जो नरेंद्र जी मोदी बदल रहे उनको यूथ, अभी आपने देखा होगा कि तीन चार लास्ट अभी जो ट्रेन में गए कि कहीं वो बच्चों को पकड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि यूथ ही है जो भारत को चेंज कर सकते हैं, और हमारा हमेशा ये रहा है। तो मैं यूथ को बोलता हूँ कि भारत को चिपके रहे, इसका ग्रोथ बहुत बड़ा है और ये बुक्स देख सकते हैं आगे का आप ये देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।